अभी हमने पिछले दिनों आपके सामने एक न्यूज़ शेयर की थी कि पवन सिंह ने अपने लिए एक बुलेट खरीदी है, अब वो बुलेट राजा बन चुके हैं। लेकिन कोई है जिसे पवन का ये बुलेट खरीदना रास नहीं आया। जी हाँ, वो कोई और नहीं, कुछ ऐसे फैंस हैं खेसारी लाल यादव के, कुछ ही कहेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ ने तो अप्रिशिएट ही किया। कुछ ऐसे फ़ैन हैं खेसारी लाल यादव के जिन्होंने ये कहा कि बिहार के इस विपदा में पवन सिंह ये नहीं देख रहे हैं कि बिहार किस कंडीशन से गुजर रहा है, बिहार में बाढ़ आई हुई है और पवन सिंह बुलेट खरीद रहे हैं। वाह, क्या बात है। ऐसे में तो बिहार में रहते हुए उन्हें बिहार वासियों की बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी, जिस तरह खेसारी लाल यादव मुंबई में रहते हुए भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बिहार में बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और उनके दुख में पूरी तरह से शामिल हैं। अब भाई, ये रही खेसारी लाल यादव की फैंस की दलील, जिन्होंने पवन सिंह के बाइक लेने पर, बुलेट लेने पर उन्हें इस तरह से कहा। साथ ही इस बयान को कई लोगों ने सपोर्ट किया है। सभी का कहना है कि पवन सिंह आज जो कुछ भी हैं अपने फैंस की वजह से हैं और उन्हें अपने फैंस की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह मदद करने में कभी नहीं चुके हैं। पिछले साल जब बाढ़ आई थी बिहार में तो 11 लाख रुपए पवन सिंह ने अपनी तरफ से दिए थे बिहार सरकार को। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ने मदद नहीं की होगी। हाँ, ये बात और है कि अभी मीडिया में वो बात नहीं आई है या पवन सिंह की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और फेसबुक पर सभी जगह ये पोस्ट करके बताया कि वो किस तरह से बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं। वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा हर एक स्टार को करना चाहिए। और बिहार में अगर कुछ होता है तो यूपी बिहार के जितने भी कलाकार हैं या बिहार में ही क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में जो कुछ भी होता है, कुछ भी दुखद घटना होती है तो सारे कलाकारों को एकजुट होकर यथाशक्ति जितनी भी उनके पास शक्ति हो सके उतनी मदद ज़रूर करनी चाहिए। खेसारी वैसे भी इन कामों के लिए हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं और इस बार भी अप्रिशिएटेबल हैं। लेकिन अभी हम ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि पवन ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया होगा। पवन उनमें से है नहीं, लेकिन अभी तक इन बातों को ऑफिशियल नहीं किया गया है। हो सकता है कुछ दिनों बाद ऑफिशियल कर दिया जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।